कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि मन का स्वभाव कैसा है, और हमने ये चर्चा की कि मन का स्वभाव है क्या? बोले मन हमेशा ही कहता है सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है। आज चर्चा करते हैं मन के दूसरे के बारे में। मन का दूसरा गुण क्या है, मन का दूसरा लक्षण क्या है? यह हमारा मन हो या आपका मन हो, किसी का भी मन हो, मन का दूसरा जो स्वभाव है, मन का जो दूसरा लक्षण है, मन की जो दूसरी प्रकृति है, वो क्या है? बोले वह कामना को जन्म देने वाली है। ध्यान से समझिएगा, वो किसी का मन हो, साधु का मन हो, सन्यासी का मन हो, गृहस्थी का मन हो, बालक का मन हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, सबका मन अनंत प्रकार के कामनाओं को जन्म देता है। जो कामना को जन्म दे वही तो मन है। ये कामना क्या है? आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा देखो भैया शुगर, उसने ऐसा कहा तभी आप डर गए, डॉक्टर साहब शुगर हो गया क्या? बोला नहीं नहीं हुआ नहीं है, लेकिन यदि थोड़ी सावधानी नहीं रखी ना तो फिर शुगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। अच्छा और डॉक्टर साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले बस बीपी हो गया क्या? बोले नहीं हुआ नहीं है, वो भी बॉर्डर लाइन पर है, ध्यान नहीं दिया तो बीपी भी हो जाएगा। अब आप थोड़े घबरा गए, डॉक्टर साहब क्या करूं क्या करूं, कैसे ठीक होगा? बोले कोई चिंता की बात नहीं है, सुबह उठिए, जो आपके आसपास कोई पार्क हो उसके चार चक्कर लगाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये जो होने वाला है नहीं होगा, इसे रोका जा सकता है। अब आप जब डॉक्टर साहब के पास से आने लगे तो आपके मन ने क्या कहा, चलो कहीं रुकते और एक घड़ी खरीद लेते हैं। आपने घड़ी खरीद ली और जब घर आए, भोजन प्रसाद करके बिस्तर पर जाने लगे, तब आपके मन ने क्या कहा, सुबह 4 बजे ही उठ जाऊंगा और चल के उस पार्क के 5 चक्कर लगाऊंगा। और आपके मन ने क्या कहा, आपके मन ने कहा 4 बजे का अलार्म तो लगा दो घड़ी में, तब तो 4 बजे उठ पाओगे, और आपने घड़ी में 4 बजे का अलार्म भी लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, घड़ी खरीदने वाले भी आप हैं, खरीदी हुई घड़ी को लेकर के घर आने वाले भी आप हैं, अपने सिरहाने घड़ी को रखने वाले भी आप हैं, और घड़ी में 4 बजे का अलार्म लगाने वाला भी आपका पड़ोसी नहीं है, आप स्वयं हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन 4 बजा, तब मन क्या कहता है, आज मौसम बहुत खराब है, आज नहीं कल उठेंगे। अनेकों प्रकार की जो कामनाओं को जन्म दे और किए हुए संकल्प में आपका सहयोग न करे, ये मन है। ध्यान से समझिए, मन अनेकों कामनाओं को जन्म देता है, लेकिन जो कामना उत्पन्न कर दिया, और आप कहो मन भैया ये इच्छा तो आप ही की थी, चलो इच्छा की पूर्ति के लिए थोड़ा मेरा सहयोग तो कर दो, तो मन कहता है ना इच्छा के पूर्ति में मैं सहयोग नहीं करूंगा। तब तुम करोगे क्या? बोले मैं एक और इच्छा तुम्हें दे सकता हूं। और यही इच्छाओं के संसार में हमारा सारा जीवन बीतता जाता है। जब भी कभी समय होगा सोचिएगा जरूर।